Okay guys, today we are going to study about the drugs starting from letter A. So the first drug is Abilify. Aripiprazole. Okay. What is Abilify? Abilify is an antipsychotic medication. It works by changing the action of chemical in the brain. Okay. Abilify is used to treat the symptoms of psychotic condition including schizophrenia in adults and children at least 13 years old. तो जो Abilify drugs है, ठीक है, वो antipsychotic drug है, मतलब आपके brain के ऊपर काम करता है, ठीक है, psychosis को treat करने में, specially कहाँ पे schizophrenia में, ठीक है, schizophrenia एक disease है, okay, neuron disorder है, okay. अडल्ट में भी और चिल्ड्रंस में भी, एटलीस्ट 13 साल के बच्चों में भी अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं. एबिलिफाई इज यूज अलोन और विद द मूड स्टेबिलाइजर मेडिसिन टू ट्रीट बायपोलर वन डिसऑर्डर दैट इज मैनिक डिप्रेशन इन अडल्ट एंड चिल्ड्रन एटलीस्ट 10 ईयर्स ओल्ड. थोड़ा सा मूड स्टेबिलाइजर्स के साथ भी अपन इसको यूज़ करते हैं. ओके, मैनिक डिप्रेशन, मैनिक डिप्रेशन मतलब कि क्या, जो उनको थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है, जब वो थोड़े मैनिक हो जाते हैं, ठीक है, उनको चिड़चिड़ होती है और वो डिप्रेस हो जाते हैं, खुद ही ओवर थिंक करके डिप्रेस होने लगते हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी हम दे सकते हैं इसको. एक तो अकेले भी यूज़ कर सकते हैं, फिर किसी मूड स्टेबलाइजर के साथ भी अपन दे सकते हैं. एबिलिफाई इज यूज विथ एंटी डिप्रेशन मेडिसिन मेडिकेशन टू ट्रीट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इन अडल्ट. मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जो भी रहते हैं उनके साथ भी अपन इसको दे सकते हैं. Abilify is used in children at least 6 years old to treat Tourette's disorder and to treat symptoms related to autistic disorder. It is irritability, aggression, mood swing, temper tantrum and self injuries. मतलब कि जिनको ऐसा चिड़चिड़पन होता है, इरिट, वो जल्दी से इरिटेट हो जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे पेशेंट्स जो थोड़े मेनियाक होते हैं, मतलब जिनको ऐसा लगता है कोई इंसान उनको मारने वाला हो, ठीक है, ऐसा उनको फील होता है. एक्चुअल में उनको कोई ख़तरा नहीं रहता, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये इंसान उनको हर्ट करेगा, ठीक है, तो उसके कारण वो गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़ करने लगते हैं, ऐसे पेशेंट्स में अपन देते हैं. वार्निंग, Abilify इज़ नॉट प्रूवन फॉर यूज़ इन ओल्डर अडल्ट्स विद डिमेंशिया रिलेटेड साइकोसिस. जिनको भूलने की आदत रहती है उन लोगों में हमने अभी तक इसको ट्रीट नहीं, मतलब दिया नहीं है, ठीक है, इसलिए हम उनमें वो यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि अप्रूव नहीं हुआ है. पीपल विद डिप्रेशन और मेंटल इलनेस में हैव टफ थॉट्स अबाउट सुसाइड. या फिर किस कुछ 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 लोगों के ऐसे सुसाइड करने के थॉट्स आते हैं वो डिप्रेशन के कारण. सम यंग पीपल में हैव इंक्रीज सुसाइडल थॉट व्हेन फर्स्ट स्टार्टिंग अ मेडिसिन टू ट्रीट डिप्रेशन. क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है कि लोग डिप्रेशन को ठीक करने के चक्कर में क्या होता है, सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं. तो ये थोड़ा सा उनमें वार्निंग वाला सीन बन जाता है. टेल योर डॉक्टर राइट अवे इफ़ यू हैव एनी सडन चेंजेस इन मूड और बिहेवियर और थॉट अबाउट सुसाइड्स. अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप ये मेडिकेशन ले रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, या फिर आपकी फैमिली में कोई ये वाला मेडिकेशन लेता है और वो कभी सुसाइड के बारे में बात करता है, फिर मूड या बिहेवियर चेंज हो चुका है, तो आप उनके डॉक्टर से जल्दी से कंसल्ट कीजिए. जो आपका साइकेट्रिक डॉक्टर होगा उनसे कंसल्ट कीजिए. स्टॉप यूजिंग Abilify एंड कॉल योर डॉक्टर एट वंस इफ़ यू आर द फॉलोइंग सिम्पटम्स दैट इज फीवर इफ स्टिफ मसल और रैपिड हार्ट रेट. अगर आपके मसल्स बहुत स्टिफ हो रहे हैं तो आपको उसी वक्त आपको तुरंत वो मेडिकेशन को रोक देना है, ठीक है. अगर आपको एक जैसे आपने Abilify शुरू किया और आपको एक दो दिन में अगर सपोज ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर रैपिड हार्ट रेट मतलब आपकी हार्ट रेट अगर बढ़ रही है, तो आपको उसी वक्त तुरंत रोक देना है और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है. अनकंट्रोल मसल मूवमेंट, अनकंट्रोल मसल मूवमेंट्स मतलब कि क्या, आपका हाथ अपने आप हिलने लग जाता है, ठीक है, कुछ मसल्स कैसे ट्विच करने लगते हैं. सिम्टम्स दैट कम ऑन सडनली सच एज नमनेस और वीकनेस. जैसे कभी कभी आपके मसल्स में नमनेस आ जाता है, नमनेस मतलब आपके वहाँ के सेंसेशन ख़त्म हो जाते हैं, या फिर जो हाथ है वो एकदम ही ढीला पड़ जाता है और आपको एकदम से वीकनेस फील होता है. सीवियर हेडेक एंड प्रॉब्लम विथ विजन स्पीच और बैलेंस. अगर आप चल रहे हो बैठ रहे हो तो आपको थोड़ा बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, विजन में थोड़ा सा ब्लरीनेस आ सकता है, स्पीच में थोड़ा सा चेंज हो सकता है. तो ये सब अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है. इफ़ यू ऑल्सो यूज़ एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन डू नॉट स्टॉप यूजिंग इट सडनली. हाँ, अगर आप एकदम से कोई एंटी डिप्रेशन
अगर मेडिकेशन लेते हो आप, अगर एकदम से रोक दे तो आपको उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए कभी भी इसको एकदम से नहीं रोकना है, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है या फिर डॉक्टर के पास जाके ही उसके मेडिकेशंस के हिसाब से आपको रोकना है। बिफोर टेकिंग दिस मेडिकेशन यू शुड नॉट टेक एबिलिफाई इफ़ यू आर एलर्जिक और टू एलपीप्रेजोल। एलपीप्रेजोल से अगर आप एलर्जिक हो, जैसे हाइपरसेंसिटिविटी रहती है, ठीक है, तो आपको ये मेडिकेशन नहीं लेनी है। एबिलिफाई में इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेथ इन ओल्डर अडल्ट विद डिमेंशिया रिलेटेड साइकोसिस दैट इज़ नॉट अप्रूव्ड फॉर दिस यूज। जैसे पहले भी कहा है मैंने कि जिनको डिमेंशिया है ओल्डर अडल्ट्स में, तो उनको ये मेडिकेशन नहीं लेना है क्योंकि ये अप्रूव नहीं किया गया है। टू मेक श्योर दिस मेडिकेशन सेफ फॉर यू, टेल योर डॉक्टर इफ़ यू हैव हार्ट प्रॉब्लम और स्ट्रोक। ये आपके लिए मेडिसिन तभी सेफ है, ठीक है, जब आपको नीचे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है या फिर आपने अगर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लिया होगा। जैसे कि अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है या फिर स्ट्रोक का प्रॉब्लम है तो उनको नहीं लेना है। हाई और लो ब्लड प्रेशर मतलब आप ले सकते हो, लेकिन आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ ही लेना है। डायबिटिक, अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी को डायबिटिक है या फिर आपको डायबिटिक है या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को जेनेटिकली डायबिटिक होने के चांसेस हैं, तो भी आपको प्रिकॉशन रखना है, ठीक है। सीजर्स, किसी को सीजर्स आते हैं, सीजर्स कन्वर्जेंस, ठीक है। लो वाइट ब्लड सेल्स WBC काउंट कम है, तो भी आपको ये थोड़ा प्रिकॉशन के साथ लेना है। ओके, थैंक यू।